नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। शिवहर के ताजपुर में दो सहोदर भाइयों की चाकुओं से गोद कर हुई हत्या, एक महिला भी गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी से लटका मिला युवक का शव, मृतक के परिजनों में मचा हाहाकार, परिजन हत्या की जता रहे हैं आशंका। जमुई के जंगल में पुलिस ने किया एनकाउंटर, नक्सली पिंटू राणा दस्ते का कुख्यात, मुठभेड़ में हुआ ढेर, हथियार भी हुआ बरामद। नरकटियागंज के साठी में आकाशीय बिजली गिरने से एक की हुई मौत, बड़वा कला निवासी शेख सहाबुद्दीन के रूप में हुई मृतक की पहचान, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पश्चिमी चंपारण में दिखा रफ्तार का कहर, एक सड़क हादसे में मैनाटार के एजीएम की हुई मौत, वहीं सिक्टा एजीएम हुए जख्मी, मंत्री की बैठक में शामिल होने एक ही मोटरसाइकिल से जाते वक्त हुए दुर्घटना का शिकार। रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण, पानी टंकी पर चढ़ गए जिलाधिकारी, मिली थी काम में गड़बड़ी की शिकायत, वीडियो हुआ वायरल। पूर्वी चंपारण के आदापुर थाना क्षेत्र स्थित भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और तस्करों के बीच हुई झड़प, महिला तस्करों ने जमकर मचाया उत्पात, आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है मामले की जांच। पटना के एक निजी हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना में घायल मरीज की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए काटा बवाल, मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों को समझा बुझा कर कराया मामला सामने। निवेशकों को बिहार सरकार का ऑफर, बोले सीएम नीतीश कुमार, बिहार में कीजिए निवेश, भूमि की व्यवस्था और धन में मदद करेगी सरकार। गोपालगंज में भैंस ने सड़क पर फैलाई गंदगी तो किसान को पीट पीट कर उतारा मौत की घाट, मृतक के बहू और बेटे को भी किया घायल, इलाज जारी। पटना जेल प्रशासन ने अहले सुबह बेउर जेल में की छापेमारी, कुख्यात गैंगस्टर भवानी तिवारी के पास से एक मोबाइल फोन किया जब्त। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में निर्भया कांड जैसी घटना, बस में 17 साल की लड़की के साथ हुआ गैंगरेप, पटना ले जाने के नाम पर लड़की को बस में बैठाया था कंडक्टर और खलासी, मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में सीडीपीओ को उप प्रमुख ने मोबाइल पर दी धमकी और भेजे अश्लील मैसेज, आहत सीडीपीओ ने कराया मामला दर्ज, एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी उप प्रमुख को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में दो जगहों पर दिखा रफ्तार का कहर, अलग अलग दो सड़क हादसों में 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। भागलपुर में हथकड़ी सहित फरार हुआ स्मैक तस्कर, पुलिस ने खदेड़ कर किया गिरफ्तार, भागने में सहयोग करने वाला भाई भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। औरंगाबाद में कोरोना का एक नया मामला आया सामने, शहर के पठान टोली इलाके में एक युवक निकला कोरोना पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम ने दी जानकारी, 2056 लोगों की जांच में निकला एक संक्रमित मरीज। विधान परिषद की 7 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में अब तक मैदान में आए 7 उम्मीदवार, नामांकन के आखिरी तारीख में भाजपा और जदयू की ओर से 2-2 उम्मीदवारों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। ट्रेन से गिरकर 2 मजदूरों की हुई मौत, गया से पटना जाने के दौरान हुआ हादसा, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पहचान में जुटी पुलिस। सिवान में शादी की खुशी में पसरा मातम, द्वार पूजा के दौरान छज्जा गिरने से 2 की हुई मौत, 25 घायल, इलाज जारी। और 5 दिनों से बिहार के दरवाजे पर रुका है मानसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी, उत्तर और पूर्वी बिहार में अगले 48 घंटे में तेज हवा के साथ होगी झमाझम बारिश। अभी के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली तमाम खबरें और प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसटीवी न्यूज। नमस्कार।